नमस्कार, केकेआर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के विदिशा में कांग्रेस पार्टी ने महंगाई के विरुद्ध में माधवगंज पर बड़ा आंदोलन किया, जिसमें जिले भर के कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल हुए। साथ ही साथ कांग्रेस के पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह और सज्जन सिंह वर्मा भी शामिल हुए। निशंक जैन ने जिला अध्यक्ष बनने के बाद शक्ति प्रदर्शन के रूप में इस कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें वह बहुत हद तक सफल होते नजर आ रही है। माधवगंज पर धरना प्रदर्शन के बाद बैलगाड़ी पर मोटरसाइकिल चूल्हा रखकर रैली निकाली गई, जो गांधी चौक नीमताल पहुंची। यहां पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी थी। यही पुलिस के साथ कार्यकर्ताओं की धक्का मुक्की भी हुई। बाद में एसडीएम गोपाल सिंह वर्मा को ज्ञापन सौंपकर कार्यक्रम संपन्न किया गया। इस पूरे मामले में जयवर्धन सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भाजपा सरकार गरीबों का मजाक उड़ाने के लिए अन्न वितरण कर रही है, जबकि कांग्रेस शासन ने निःशुल्क राशन वितरण का नियम बनाया था। अपने भाषण के दौरान जयवर्धन सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में जाने को खरीद फरोख्त से जोड़कर बताया। विदिशा से भैयालाल धाकड़ की रिपोर्ट। ये देश आप नहीं चला रहे हो, ये देश चला रहे हैं अडानी और अंबानी, जिनके पैसे के जिनके चंदे से तुमने चुनाव लड़ा। ये देश तुम्हारी औकात नरेंद्र मोदी देश चलाने की नहीं है, ये अडानी और अंबानी इस देश को चला रहे हैं। मेरा अनुरोध है शिवराज भाई, तुम भी सुन लो, तुम्हारे आका नरेंद्र मोदी को एक शिक्षा दे दो यहाँ से। नरेंद्र मोदी को एक सुझाव भेज दो कि तेरे से देश नहीं संभल रहा, महंगाई बढ़ती जा रही, 10 दिन के लिए इसे मनमोहन सिंह की पाठशाला में भेज दो। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 10 साल प्रधानमंत्री थे। ये भाई क्या गाना गाता था याद है? बहनों सुनो, तुम्हारे काम की बात है। महंगाई डायन खाए जाते हैं, अब महंगाई डायन डार्लिंग बन गई क्या मोदी साहब? है महंगाई डार्लिंग डार्लिंग बन गई भाई, देखो कितना खतरनाक आदमी है। अब गाना भूल गया, और क्या नारा लगाता था मोदी? क्या नारा लगाता था? बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, लेकिन मेरी माँ बहन क्या नारा लगाएंगी? बहुत हुई महंगाई की मार, उठा के फेंक दो मोदी सरकार। और बातें आगे करेंगे निशंक भाई, शशांक भाई, पूरी टीम को, सुभाष, प्रियंका, मोहित भाई, दीपक, आप सबको मैं हृदय की गहराई से बधाई देता हूँ। उन नौजवानों को बधाई देता हूँ जो आज शव यात्रा निकाल के लाए हैं, शिवराज सरकार की शव यात्रा निकाल के लाए हैं। हमारे युवक कांग्रेस साथी हम मिल गए थे, इनको आप सब की तरफ से बधाई देता हूँ। एक बात आखिरी में कहना चाहता हूँ, मैं जब आया तो वो पहना हुआ था, मैं क्या बोलते हैं, बस जैकेट पहना हुआ था मैं, लेकिन मैं जब यहाँ आया तो इतनी गर्मी लगी मुझे कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में अभी गर्मजोशी बाकी है, तो मुझे उतारना पड़ी। यही गर्मजोशी, यही आपका साहस, मैं आपसे अनुरोध करता हूं, 2023 में मेरी माँ बहने अपने हाथ में कांग्रेस का एक झंडा लेंगी और भोपाल की विधानसभा पे जाके लहराएंगी, सरकार हमारी बनेगी। बहुत धन्यवाद, जय हिंद। बासदा में निशंक भाई है, विदिशा में शशांक भार्गव जी है,
लेकिन जो शमशाबाद का क्षेत्र है, जो सरोन का क्षेत्र है, जो कुरवाई का क्षेत्र है, मेरी आप सबसे प्रार्थना है, जो जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, आप सबकी जिम्मेदारी है, आप सबका दायित्व है कि अगले 2 साल लगातार जो अपना गांव है, जो अपना मोहल्ला है, कम से कम उस क्षेत्र में तो आप कांग्रेस के लिए काम करो। कम से कम जो जनता की आवाज है, जो जनता की पीड़ा है, उसको तो उजागर करो। क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि आज जो माहौल यहाँ बना है विदिशा में, जो जन सैलाब निशंक भाई शशांक जी के मेहनत से यहाँ पर इकट्ठा हुआ है, जो एक एक कार्यकर्ता कांग्रेस का है, जिन्होंने मेहनत करके यहाँ पर जनता को एकत्रित किया है, मुझे पूरा विश्वास है कि अगले 2 साल में वापस 2023 में परिवर्तन आएगा, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, किसानों की सरकार बनेगी, युवाओं की सरकार बनेगी, हमारे माता बहनों की सरकार बनेगी। हमारी माता बहनें, ये वो सरकार बनेगी 2023 में, उस कमलनाथ की सरकार बनेगी जिस कमलनाथ को आपकी पेंशन 150-300 से बढ़ा के 600 रुपए की थी। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर आज कमलनाथ जी मुख्यमंत्री होते तो आपकी पेंशन 1000 रुपए प्रति महीना होती। लेकिन आप लोग चिंता मत करो, आप लोग चिंता मत करो, अब सिर्फ 2 साल बाकी है, 2 साल बाद पुनः कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। जिन जिन किसान का कर्ज 50,000। फिलहाल खबरों में इतना ही, आगे की और तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहे KKR न्यूज और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।